तो ये डल लेक में इस तरह की शॉप्स भी होती हैं जो एक्सेसिबल होती है ओनली थ्रू बोट्स। बोट्स में ही आपको आना है और एक्सप्लोर करना है। ये आ गया कावा मेरा, ये कावा। तो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड टू द डल गेट। यस, और वो जो टैक्सी वाला था हमको उससे दूसरे पॉइंट उतार दिया थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर, क्योंकि और पैसेंजर थे उनको कहीं और जाना था। अच्छा, ऐसा है। और हमको इस टैक्सी में बिठा दिया था तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा लगा, बट हम लोग पहुँच गए। एक चीज़ खास आपको ध्यान रखनी है कि जब आप आते हैं तो पहले क्लियर कर लें कि ड्रॉप ऑफ कहाँ होगा। हम लोग एक्चुअली रास्ते में से बैठे थे, इसलिए हम लोगों ने उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, और थोड़ा हरी में से सड़क पे ही बीच में गाड़ी रोका था, इस वजह से उसको ज़्यादा भी कुछ हमने बोला नहीं। अभी ये भाई साहब मिले हैं, बता रहे हैं एकदम डिलक्स रूम 800 रुपये में इनके हाउस बोट में है, तो वो भी इनके हाउस बोट में चलते हैं। मैंने एक भैया से बात करेगी, वो 700 रुपया मुझे बोले, तो अभी देख लेते हैं इनकी बोट में अगर पसंद आएगा तो ठीक है, वरना फिर और कुछ ऑप्शन देखेंगे। फाइनली और भैया के साथ आए हम लोग, अभी इनका हाउस बोट देखने के लिए जा रहे हैं। डल लेक पहुंच चुके हैं, ये शाम का नज़ारा। अभी हम लोग ये छोटी वाली बोट में बैठ के शिकारा से जाएंगे हाउस बोट तक, फिर वहां पे हम लोग अपना रूम देख लेते हैं। बाप रे, तो छोटी बोट है। सो हार्दिक, कश्मीर में आके कैसा लग रहा है? यस, फाइनली सालों से जिस चीज के बारे में सोच रहा था आज वो मैं कर रहा हूँ, शिकारा में बैठा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 7:30 बज रहे, 7:45 के करीब, और हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट की तरफ। लाइटें लगी हुई काफ़ी सारी, बोट है यहाँ पे चारों तरफ। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने सोचा कि हाउस बोट में ही रुकना ज़्यादा बेटर होगा, होटलों में तो हर जगह ही रुकते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाउस बोट का मज़ा लेने के लिए इतनी दूर से जब लोग आते हैं तो फिर यहाँ पे भी आके होटल में चले जाए तो कोई पॉइंट नहीं बनता। नॉवेल्टी है कश्मीर की हाउस बोट। So now we have reached our first location in Srinagar, boat house, जो हमारे रूम देख लेते हैं पहले वाला। सिटिंग रूम है, खाना वाना। अच्छा सा शेंटलियर, शेंटलियर तो नहीं एग्जैक्टली बोलेंगे इसको। ओह वाह, पैसेज से होते हुए पहुँचते हैं हम लोग आगे बेडरूम तक। सीजर बेडरूम लगा है, गर्म पानी, ठंडा पानी, चलो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर लानी। ओके ठीक है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ये विंडो होता है हवा स्पेस हवा के लिए। हाँ मैडम, ये ओपन है ना, आगे ओपन बैठ सकते हैं, ये रूम है आगे बैठने के लिए, वो ओपन स्पेस है ना, वो आप ही का है, वो आगे बैठने के लिए आराम। बाहर आना है, चलो बाहर। सो कावर रेडी हो गया है यहाँ पे आई गेस। भैया बोल रहे थे कि कावा हमारे लिए बन के आ रहा है, चाय खाने का क्या क्या ऑप्शन है यहाँ, तो घर का ही हिसाब है। अच्छा, ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। मतलब क्या क्या है वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। दाल मिलेगा, सब्जी मिलेगा, चावल मिलेगा, रोटी सर मिलेगा। दाल चावल खाएंगे, रोटी सब्जी खाना है। रोटी सब्जी नहीं खाना। हाँ, नॉन वेज खाते हो? नहीं नहीं, हमारे पास ये कावा है, कश्मीरी कावा है। ठीक है सर, रोटी कितना बनाऊँ सर? रोटी खाओगी या चावल है? दाल चावल होगा ना? दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी। सब्जी कौन सा है? गोभी का। गोभी का वो कौन सा है? गोभी, पत्ता गोभी, गोभी गोभी। ठीक है ना, घर का ये हमारे को भी खुद वही है बस। ठीक है, ठीक है सर। पियो पियो का रोटी मेरा दो, तुमको कितना खाना है रोटी? एक।
एक रोटी इसका और दाल चावल, ठीक है सर? ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हो गया 8-9 बजे के बाद, हाँ 9:30 बजे तक, 9:30 ठीक है ना मैडम? आराम से घर में फ्रिज बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, 9:30 तक। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो फिलहाल कावा पीते हैं, कश्मीरी कावा फॉर द फर्स्ट टाइम, आके टेस्ट करेंगे और फिर जो है डिनर की बात होगी 9:30 बजे तक। स्मेल इज गुड, स्मेल इज गुड, लेट मी, गरम होगा, ठीक है टेस्ट, क्या अच्छा है, गुड, थोड़ा हल्का सा मीठा है बट फ्लेवर अच्छा है, ज्यादा इसमें चीनी होगा, चीनी ज्यादा खाने वाला है, हां लगा ही मुझे, हम शक्कर थोड़ा कम खाते हैं तभी मीठा है, पर फ्लेवर अच्छा है, गुड, ठीक है सर, मैं आपका खाने का करता हूं सर। सो चाय का लुफ्त लेते हुए हमने सोचा बाहर बैठे, तो हमारे साथ एक कोइंसिडेंस हो गया, यहाँ पे दो भैया बैठे थे, भैया हाय, नाम मैं पूछना भूल गई, साहिल, अजय, अजय। सो हमने रैंडमली ऐसे पूछा आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला गुजरात। सो गुजरात सुन के इतनी खुशी हुई क्योंकि हम भी गुजरात से बिलोंग करते, तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि आप कहीं पर अननोन प्लेस पर जाते हो और अपने लोकल जगह के लोगों से मिलते हो तो बहुत अपनापन फील होता है। सो ये अच्छी बात है, राइट? और आज ये हाउस बोट गुजराती लोगों के लिए पूरी तरह बुक हो चुका है। यस, सो हम कावा का लुफ्त ले रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। सो 7 घंटे का ट्रैवल करके हम जम्मू से श्रीनगर पहुंच गए हैं हमारे 1 डे स्टे इन बोट हाउस में, और अभी करीब 9:30 हुए हैं एंड फीलिंग वेरी वेरी हंग्री। सो हमारा फूड तो रेडी हो गया है, सो दिखाते हैं फूड में क्या क्या है। सो गोभी की सब्ज़ी है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, गर्मा गर्म रोटी एंड राइस, सैलेड और शायद दाल है, और यस दाल। सो खाना तो गरम गरम है और खुशबू मस्त आ रही है, सो भूख तो लगी है, चलो फिर खाना खाते गाइस, हार्दिक भी आ गया है, चलो डिनर टाइम। यस, डिनर इन द बोट हाउस, डिनर इन द हाउस बोट, ओ सॉरी हाउस बोट, सॉरी। लकड़ी का सामान, हाँ लकड़ी का सामान, शिकारा हाउस बोट, अच्छा हाँ ये तो किचन है, ये भी किचन है, फ्रिज मैंगेट भी है, ये हाउस बोट है, फ्रिज मैंगेट, ओ ये गंडोला है, अच्छा ये तो गोल चिपका हुआ मैंने, ये तो चिपका निकल जाएगा तो फिर वो यार गिर नहीं जाएगा। निकलेगा, ये क्या अगरबत्ती स्टैंड, ये पेन है, पेन, अगर शिकारा भी देखना है, ड्राई फुटबॉल देखना है, हाउस बोट देखना है, मैग्नेट वो वाला नहीं है, प्लेन वाला जो आता है पीछे से थोड़ा लंबा हो ऐसा, उस तरह का चिपकाने का, वो चलता नहीं ज़्यादा, वो मतलब वो बैंड होता है। ये कितने का है? ये पड़ेगा 70 रुपीज़ का पीस, ये ज़्यादा हमको चलता है, देख लो तुमको और कुछ देखना है तो मैं नासिर भाई के साथ दूध लेके आता हूँ, देख तो लो कुछ अच्छा लगे तो खा, चलो चलो बैठो उधर, ठीक है चलो बाय बाय, दूध लेके आता हूँ मैं नासिर भाई के साथ, नासिर भाई के साथ जा रहा हूँ एक शॉप पे, हाँ जो पानी के अंदर है शॉप पूरा, और यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो हम लोग कल रात को आए थे, श्रीनगर पहुँचे हम लोग कल, और यहाँ पे हमने एक हाउस बोट जो ये वाला पीछे दिख रहा है विक्टोरिया गार्डन, ये वाला हाउस बोट हम लोगों ने कल बुक किया, जो कि नासिर भाई यहाँ पे हमारी टेक केयर कर रहे हैं, सो द ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट इज रेडी, राहुल भाई इज हैविंग ब्रेड एंड ऑमलेट अलॉन्ग विद द टी,
मेरे लिए आया है ऑमलेट, मेरे लिए है ये, बट आई डोंट ईट, नहीं मैं नहीं खाता, नहीं खाते। तुमको खाना है तो ले लो, अब रखो, खाओ खाओ, नहीं ले जाओ। हाँ सर, ये है लोकल ब्रेड कश्मीरी, जो कि हैंडमेड बनता है। भैया ने एक टेस्ट के लिए दिया था, अभी मैंने हम लोग गए थे वहाँ पे शॉप करने ग्रोसरी की। यहाँ ब्रेड है, यहाँ पे चाय है, और राइट बिहाइंड देयर इज अ विंडो, विंडो के बाहर है एक शिकारा, डल लेक और ब्यूटीफुल सा नज़ारा। सो इट्स अ गुड डे टू हैव गुड ब्रेकफास्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बैग निकालो, बैग निकालो, दे दो बैग इधर, मुझे दे दो, थोड़ा थोड़ा उधर पा खा पाते बैठिए आराम से, देखिए हां हां निकाल लो। सो दिस डे हैज बिगन, प्रीवियस हैज एंडेड इन दिस बोट हाउस, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स गुलमर्ग, राइट, गुलमर्ग जा रहे हैं। आई हैव टू न्यू फ्रेंड्स विद अस, क्या नाम साहिल, साहिल एंड अजय, अजय साहिल और अजय दोनों गुजरात से आए हैं, राजकोट से। कल रात को ही मिले थे हम लोग, सेम हाउस बोट में रुके हुए थे, और अब हम लोग चारों लोग ही साथ में जा रहे हैं गुलमर्ग एक्सप्लोर करने। सो और दिखाते हैं आपको गुलमर्ग, तो फिलहाल तो इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे अब, और बाकी जो डिटेल है आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपके इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, सो यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स और मैं आपकी क्वेरीज के आंसर दे दूंगा। सी यू गाइस इन दी गुलमर्ग, बाय। तो ये डल लेक में इस तरह की शॉप्स भी होती हैं जो एक्सेसिबल होती है ओनली थ्रू बोट्स, बोट्स में ही आपको आना है और एक्सप्लोर करना है। लो शिकारा, शिकारा, या ये जो है ये शॉप है, शिकारा शॉप है।